हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। तो फाइनली आप लोगों ने सीयूटी का अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा और अब जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट की बहुत सारे जो है डाउट हैं, तो इस चीज़ को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाला कि आखिर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि भाई इतने नंबर आए हैं मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं। मुझे लगातार इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आए हैं और साथ ही साथ मेरे कुछ लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, उन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया हुआ है कि क्या हमें इतने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या। तो देखो आज उसी का मैं एनालिसिस करने वाला हूं और साथ ही साथ देखो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अब जो है आपको जो है वेट नहीं करना चाहिए, टाइम जो है ऑलरेडी आपका निकल चुका है, अगस्त आ गया है, अगस्त आने वाला है और अब अगर आप लोग वेट करोगे ना तो प्राइवेट कॉलेज भी आप लोग को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना इस बात को मेरी, बहुत ही एक्सपीरियंस की लेकर मैं कह रहा हूँ कि या तो लास्ट तक वेट करते हो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज भी हाथ से छूट जाता है, तो एक साल वेस्ट हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आप लोग मेरे थ्रू यानी कि मुझसे गाइडेंस लेकर के एडमिशन कराना चाहते हो तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कैसे करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कैसे आपको एडमिशन लेना चाहिए, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। होप कि आप लोग लाइक कर दोगे इस वीडियो को। देखो आप में से जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ कर भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग इंस्टाग्राम के लिंक पर जाकर भी मुझसे जो अपनी क्वायरीज है पूछ सकते हो फार्मेसी कॉलेज से रिलेटेड, ओके। उसके बाद से कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले। देखिए कल मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि CUET जो है कितने सारे कॉलेज हैं, ठीक है, हाउ मेनी कॉलेज इन CUET। और साथ ही साथ मैंने जो है ये भी बताया था कि जो है आपको जो है पूरे AKTU में, ठीक है, AKTU में टोटल जो है 350 प्लस कॉलेजेस हैं, तो उसमें आपको कैसे एडमिशन लेना है ये भी मैंने कल की वीडियो में बता दिया है। जिसको पता नहीं है ना, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वाली वीडियो डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा कॉलेज को ढूंढने के लिए, ठीक है। चलो ये तो बातें हो गई जो मुझे थोड़ा बहुत आपको चीज़ें बतानी थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि कितने नंबर वालों को कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट मिलने वाला है, या तो वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, या तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर बात यह आती है कि पूरे आपके डोमेन जो सब्जेक्ट थे वो कितने थे, सबसे पहले इसको समझ लो। आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हो और प्लस वीडियो को जो है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो देखो चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपके ऊपर है, वीडियो को स्किप करके मत देखो क्योंकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डोमेन सब्जेक्ट है आपके वो PCB थे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, दोनों जो है 200 नंबर के थे, ठीक है, 200 नंबर के सारे पेपर थे। टोटल जो नंबर थे वो आपके 600 नंबर थे, ठीक है, 600 नंबर से। अब आउट ऑफ इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट के 350 आए हैं, कुछ लोग के 100 आए हैं, कुछ लोग के 250 आए हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कि 400 प्लस भी मार्क्स आए हुए हैं, मेरे पास इन जिन स्टूडेंट की क्वायरीज आई है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा सिंपल यहाँ पर बात यह है कि आप लोग कह रहे हो कि आपको कितने नंबर तक कॉलेज मिल जाएगा, क्या आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट देखो जिस हिसाब से मैं पिछले 2 सालों से काउंसलिंग किया हूँ CUET का, उसमें जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि एक बच्चे का 378 नंबर था, उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल जो है गवर्नमेंट जो भी कॉलेज है। अब आप लोग कहोगे ये हम कैसे देखें कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैंने कल की वीडियो में आपसे बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो देखो उस कॉलेज में ना कुछ ही ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर फीस जो है कम है, क्या फीस जो कम है, तो आप लोग ये मान कर चलो कि 400 प्लस तक अगर आपके जो है नंबर रहते हैं तब तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज का वेट करना, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का वेट करना, अदरवाइज़ आप लोग वेट मत करना, आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना, ठीक है। अब आप लोग कहोगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए गवर्नमेंट में ना 2-3 तरह के कॉलेज हैं, पहले कैटेगरी समझ लो फिर आप लोग को लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो 2 टाइप के हैं, एक तो सेंट्रल हैं, ठीक है, और एक स्टेट लेवल के हैं। लेकिन स्टेट लेवल में भी कुछ ऐसे ऐसे कॉलेज हैं स्टूडेंट जिनकी फीस ही 1 लाख तक है,
कितनी, 1 लाख पर ईयर तक फीस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, AKTU का जो मेन कैंपस है वहाँ वो ऐसे तो है तो कहने के लिए गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइवेट जैसी फीस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके कम भी नंबर है ना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जाते हैं उनका कम नंबर होता है तब भी उनका एडमिशन हो जाता है। हालांकि देखो, अगर आप लोग एडमिशन लेना तो पहले जो है कॉलेज में विजिट कर लेना, उसके बाद से एडमिशन ले लेना। यहाँ पर मैं कोई निगेटिव रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना, स्टूडेंट ने बताया था तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग AKTU टारगेट कर रहे होगे तो आप लोग ये मान के चलो, अगर आपके CUET में, ठीक है, CUET में अगर आपके 320 प्लस हैं तो आप लोग AKTU में आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट, कंपटीशन इस साल बढ़ने वाला है, मैंने BSc नर्सिंग का भी कट ऑफ देखा था, साथ ही साथ पैरामेडिकल का भी कट ऑफ देखा था UP में, तो वहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत हाई रहा है। और उसके बाद बात करूँ मैं सेंट्रल लेवल पे, भी सेंट्रल लेवल में भी कट ऑफ बहुत हाई रहा है BSc नर्सिंग के लिए एम्स वगैरह का, ठीक है। इस बार कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। सेफ स्कोर क्या होगा आपके लिए कि 400 प्लस अगर आपके रहेंगे तभी आपको एक अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगी। रेपुटेटेड कॉलेज का एक नाम मैं आपको बताया था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो है रेपुटेटेड कॉलेज में आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक आती है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। कल की वीडियो में मैंने बात की है, कल का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो ये तो हो गया आपके सेफ स्कोर, अगर 400 प्लस हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है रुक सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब बात ये आती है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर सकते हो। अब प्राइवेट कॉलेज में ना मेरे पास पूरे 350 प्लस कॉलेज की लिस्ट है, ठीक है, 350 प्लस कॉलेज की लिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग उस पूरे लिस्ट को चेकआउट कीजिएगा और वहाँ पर जो है आप लोग किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, जो कि पूरा जो कॉलेज है PCI से अप्रूवल है। लेकिन 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 उसमें से भी कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पर प्लेसमेंट जो है ना है ही नहीं, पैसे तो आप लोग दे दोगे लेकिन प्लेसमेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। देखो, आप में से अगर जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि उनको मैं ऐसा कॉलेज सजेस्ट करूं जहां पर प्लेसमेंट भी अच्छा हो, ओके, प्लेसमेंट भी अच्छा हो, PCI से अप्रूव्ड भी हो, ठीक है, और उसके बाद से अगर आप लोग ये चाहते हो PCI से अप्रूव हो, गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट कॉलेज हो, और उसके बाद से फैकल्टी भी बेस्ट हो, ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है आपको पढ़ने जब जाते हो ना तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी तो आप लोग पढ़ाई करोगे। तो ये चार पैरामीटर मैं चेक करता हूँ हमेशा, पहला ये कि PCI से अप्रूव होना चाहिए कॉलेज, ठीक है, दूसरा ये कि कॉलेज जो है, जो कॉलेज है ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, कॉलेज में लैब में जो है हर एक केमिकल उपलब्ध हो, केमिकल लगा तभी तो आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, साथ ही साथ वहाँ के टीचर फैकल्टी हो, टीचर फैकल्टी मतलब ये हुआ, इससे मतलब मेरा यह है कि फैकल्टी जो है बेस्ट हो वहाँ की, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं एक श्योर आपको बात करूँ तो लैब वगैरह होती हो, प्रॉपर ट्रेनिंग होती हो, ये सब कुछ पैरामीटर हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको गाइडेंस दूँ कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, देखो स्टूडेंट, मैं जो भी कॉलेज बताऊँगा आपको मैं ग्रेटर नोएडा का ही कॉलेज बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में आपको बताऊँगा वो कॉलेज में विजिट किया है पर्सनली, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको जो है गलत कॉलेज मिले, ठीक है। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप लोग जो है जाना चाहते हो उस कॉलेज में जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, और हाँ, फीस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो आप लोग फीस ये मान के चलो, अगर आप लोग अगर आप 1 to 20 यानी कि 1 लाख 1 लाख 20 हज़ार तक अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा, क्या, गूगल फॉर्म का एक लिंक दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। गूगल फॉर्म में आपके कुछ डिटेल, बेसिक डिटेल होंगे, जैसे आपके नेम, फ़ोन नंबर एंड आपके फादर के नेम, और साथ ही साथ अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो वो आप लोग उसको सिंपली फिल कर लीजिएगा। जैसे आप लोग उसको फिल करोगे, ठीक है, तो मेरे पास आपका जो है फॉर्म आ जाएगा। अब आपको कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉल करके आपको बता दी जाएगी, ठीक है। देखो, मैं ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहा हूँ आपको सर्विस, क्यों, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, काफ़ी जो है पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, और अगर आप लोग थोड़ी बहुत हेल्प मुझसे लेना चाहते हो तब आप लोग हेल्प ले सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है उसको आप लोग फिल करना, फिर मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा आपको रीच आउट कर लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ तो बता दिया कि कितने नंबर तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा,
और अगर आप लोग मुझसे काउंसलिंग चाहते हो या मेरे थ्रू किसी कॉलेज में जाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप लोग जो है मुझे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक कॉलेज में आपको बताना भूल गया, ठीक है, ये 1 लाख तक भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि मेरी नज़र में है, 1 लाख पर यह जिनकी फ़ीस है। तो अगर आप भी उस कॉलेज में जाना चाहते हो लाइक, ठीक है, तो भी आप लोग फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। तो यही वीडियो में इन्फॉर्मेशन था। बाकी देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो, अपने जो है कन्वीनियंस के हिसाब से आप खुद चेकआउट कर सकते हो, तो आप लोग ज़रूर जाओ बेस्ट कॉलेज में। आप लोग अगर पता हो कोई पढ़ने वाला हो या तो कोई स्टूडेंट हो जिससे बात हुई हो, तो आप लोग ज़रूर जा करके कॉलेज में विजिट करो और एडमिशन ले लो, ठीक है। और लास्ट एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अब जो है प्राइवेट कॉलेज में ना सीट भी फिल हो रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट के CUET नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप लोग अब प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करो, नहीं तो आपका साल जो है बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा। और अगर साल बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट, तो फिर पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो अगस्त आ चुका है, मोस्टली कॉलेज में क्लासेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इंस्टेंट डिसीजन लो जा करके और अपने एडमिशन को करवा लो आप लोग, ठीक है। चलो, बाकी नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हो, वैसे तो मेरा ये प्लानिंग है कि अब मैं CUET के रिलेटेड वीडियो बनाऊं, बाकी आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हो मैं उस पर जरूर वीडियोज लेके आऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।